सो इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्सेस से जुड़े कोई भी केसेस अगर आपके अपीलेट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी पेंडिंग है और आपको लगता है कि इन केसेस पे आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, जेल तक हो सकती है और आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए लेकर के आई एक नई स्कीम। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी के दूसरे इस बजट यानी बजट 2020 में एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है विवाद से विश्वास। इस स्कीम में बहुत सारे फायदे हैं, आपके तमाम पेंडिंग केसेस से आपको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, सो चलिए समझते हैं क्या है ये स्कीम। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आर वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर वेल्थ मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम फन, कॉमेडी और प्रैंक्स की वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं और वो वीडियो जो आपको वेल्थ क्रिएशन में, आपके पैसे को बढ़ाने में हेल्प कर देती है, उन वीडियोस को हम मिस कर देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, एनीवेज, फोन आपका है, डिसीजन आपका है, क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्या है ये विवाद से विश्वास स्कीम। सो बेसिकली टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में वो दो तरीके का है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हो गया जो इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये तमाम तरीके के जो टैक्सेस होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? पहले जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जिन्हें अब समराइज करके जीएसटी बना दिया गया। ये टैक्सेस थे एक्साइज, कस्टम, वैट, इन सबको मिला करके अब इनकी जगह पे जीएसटी आ गया है। सो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये नया स्कीम है विवाद से विश्वास, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, यानी इनकम टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस मतलब वो टैक्सेस जो कंपनीज अपने इनकम पे करती है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी इस तरीके की रिलीफ देने की या इस तरीके की स्कीम लाने की जिससे आपके पेंडिंग केसेस पे इंटरेस्ट, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन की चीजें गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है, हटा रही है। सो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन, यानी टैक्स कलेक्शन की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस मिलाकर के जो 18-19 का कलेक्शन था दैट वाज 11.5 लाख करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20, इसके लिए जो एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन है दैट इज 10.5 लाख करोड़, यानी पिछले साल से भी कम टैक्स का कलेक्शन होने वाला है। और गवर्नमेंट के पास जब टैक्स का कलेक्शन कम हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्लान्स में पैसे लगा नहीं पाती है। सो गवर्नमेंट का फोकस होता है कि टैक्सेस का कलेक्शन बढ़े जिससे उन पैसों को वो पब्लिक के लिए खर्च कर सके। सो सबसे अच्छा रास्ता जो गवर्नमेंट को नजर आया वो ये था कि वो तमाम केसेस जो कि किसी न किसी अपीलेट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अटके पड़े हैं, उन तमाम केसेस पे इंटरेस्ट और पेनल्टीज को वेव कर देते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम इंडिविजुअल से या कंपनी से ले लेते हैं तो बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन हो सकता है। और यही वजह है कि ये विवाद से विश्वास स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब चलिए समझते हैं कि कितना टैक्स पे करके मुक्ति मिलेगी। सो दो डेट्स बहुत रेलेवेंट हैं। वो डेट है 31 मार्च से पहले, यानी 31 मार्च 2020 से पहले का डेट और 31 मार्च 2020 के बाद का डेट। सो अगर आपका कोई केस पेंडिंग है और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको आप 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डिस्प्यूटेड अमाउंट। अगर आप 31 मार्च से पहले पे करते हैं तो आपको मात्र डिस्प्यूटेड अमाउंट, लेट से कि आपका जो केस था उस पे 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट था और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पेनल्टीज के रूप में थे, तो अगर आप 31 मार्च 1 लाख रुपए पे करने की जरूरत है, 1 लाख रुपए जो कि पेनल्टी और इंटरेस्ट का था वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 31 मार्च से लेकर के और 38 जून यानी 30 जून तक हम जमा करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप 31 मार्च के बाद और 30 जून तक इन डिस्प्यूटेड अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं तो सिंस आप 31 मार्च की डेट को क्रॉस कर चुके हैं तो आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट प्लस 10% ऑफ दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे करना पड़ेगा। तो ये तो था डिस्प्यूटेड अमाउंट और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, असेसी प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर चुका होता है लेकिन जो केस चल रहा होता है अपीलेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी, वो इंटरेस्ट या पेनल्टी के अमाउंट को लेकर के होता है। असेसी इस बात से अग्री नहीं करता है कि उसका इतना अमाउंट पेनल्टीज या इंटरेस्ट का है और वो केस चल रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा केस चल रहा है तो अगर आप 31 मार्च से पहले
अपने इंटरेस्ट और पेनल्टीज के अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं तो आपको जस्ट 25% दे करके अपने इंटरेस्ट और पेनल्टीज का निपटारा किया जा सकता है। अगर आप 31 मार्च के बाद पे करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको 30% यानी 25 नहीं बल्कि 30% देना पड़ेगा। अगर 31 मार्च के बाद पे करते हैं तो आपको वो अमाउंट जिसका लिटिगेशन चल रहा है यानी इंटरेस्ट और पेनल्टी का उसका 30% आपको दे करके छुटकारा पाया जा सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार बता दूं कि किन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। सो फर्स्ट, वो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं जिन केसेस में प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरे, वो लोग जो कन्विक्टेड हैं वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और तीसरे, वो लोग जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो वैसे केसेस यहां एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम। सो अगर आपके केस में कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के केस में समझना चाहते हैं कि कैसे आगे हम बढ़ करके इन चीजों को निपटारा करें या कैसे, ये तो थियोरिटिकल था, आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये चीज को समझना चाहते हैं, सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, बहुत सारे मीडियम से हमें कनेक्ट करने के। आप किसी तरीके की प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहते हैं सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह